नमस्कार दोस्तों, एक लड़का जो पार्किंग लॉट में खड़ा होकर वीडियो बनाता था, जिसको कैमरे के आगे सही से बोलना भी नहीं आता था, लेकिन आज उसने अपने स्ट्रेटेजी से करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा कर दिया। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टेक यूट्यूबर की जो यूट्यूब से ही नहीं बल्कि उनके सारे बिजनेसेस से महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं, हम करोड़ों में कमा लेते हैं। और इनका नाम टॉप 5 टेक यूट्यूबर में आता है, जिनके YouTube चैनल पर 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और 2 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। आखिर क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज रही जिससे उन्होंने ओवरलेस और लेयर्स जैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस बनाए और मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन गए? जैसे लेयर्स, ओवरलेज, वेबसाइट, एप्लीकेशंस, और इसी के साथ कैसे वह अपने ही चैनल से खुद का ब्रांड प्रमोशन करते हैं? इंडिया पे इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर स्किन्स आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। हमारी स्किन्स का प्राइस है ₹499। और उनकी इन्हीं स्ट्रेटेजी से वह एक यूट्यूबर कम और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ज्यादा लगते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में टेक बर्नर यूट्यूब चैनल के सीईओ श्लोक श्रीवास्तव और उनके बिजनेसेस के बारे में। आप लोगों को पता होगा, हम पिछले 10 साल से वीडियो बना रहे हैं। हेलो, आई एम श्लोक एंड यू वाचिंग टेक बर्नर। इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनके यूट्यूब करियर की शुरुआत कैसे हुई। साल 3 दिसंबर 1995 में श्लोक श्रीवास्तव का जन्म दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। अर्ली एजुकेशन वो दिल्ली के पब्लिक स्कूल से करते हैं, इसके बाद दिल्ली के कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री करते हैं। इसी के साथ यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले वह एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का भी काम करते थे और हमेशा उनके दोस्तों के साथ मिलकर टेक रिलेटेड इशू को सॉल्व करते थे। श्लोक श्रीवास्तव का इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में बहुत ज्यादा था और यही एक कारण रहा जिससे श्लोक ने अपनी जॉब को क्विट किया और यूट्यूब को अपना प्रोफेशन बनाने का सोचा। उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि हाँ भाई, कॉलेज में जॉब नहीं लेंगे कॉलेज के एंड में। और श्लोक का यही सबसे बड़ा डिसीजन रहा जिससे आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उस समय श्लोक के लिए यह डिसीजन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा, क्योंकि दूसरी तरफ उनके दोस्तों की लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड लग रही थी। कोई अच्छी जॉब करता था तो किसी का अच्छा बिजनेस था, लेकिन इन सारी चीजों को साइड रखते हुए श्लोक ने अपने फैमिली से 1000 दिनों का समय मांगा, और जो चीजें वो 1000 दिन में हासिल करना चाहते थे वो उन दिनों में श्लोक ने हासिल कर ली। और इस बारे में अभी थोड़े दिन पहले ही कम्युनिटी पोस्ट में श्लोक ने ये सब कहा था। फिर बात आती है साल 2014 की, जिसमें श्लोक श्रीवास्तव टेक बर्नर यूट्यूब चैनल पर अपना पहला वीडियो डालते हैं। हेलो, आई एम श्लोक एंड यू वॉचिंग टेक बर्नर। और यहीं से शुरुआत होती है टेक बर्नर यूट्यूब चैनल की। फिर धीरे धीरे वह इस चैनल पर अपने वीडियोस अपलोड करते रहे। स्टार्टिंग में वो इंग्लिश कंटेंट अपलोड करते थे, लेकिन उनको यह फील हुआ कि इंडिया में हिंदी वर्जन ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, इसलिए फिर बाद में हिंदी में वीडियो अपलोड करने लगे। और फिर साल 2019 तक आते आते श्लोक ने यूट्यूब से इतना पैसा कमा लिया था कि अगर वो घर बैठे बैठे भी खाते तो वो पैसा खत्म नहीं होता। मेरा पर्सनल गोल ये था, मेरा इतना पैसा आ जाए कि मैं पूरी लाइफ कुछ ना करूं, ऐसे बेड पे भी लेटा रहूं, तब भी मेरे को टेंशन ना हो पैसे कमाने की। उस पैसे के मैं काफी नियर हूं। मतलब आप समझ सकते हो कि वो फीलिंग उस टाइम क्या होती है, इतनी सी एज में इतना सारा पैसा कमाना, जो कि एक मिडिल क्लास लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद साल 29 नवंबर 2021 को श्लोक अपना पहला सबसे बड़ा बिजनेस लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था ओवरलेस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वो न्यू डिजाइन के ट्रेंडी टी शर्ट बनाते हैं। और लगभग एक साल उन्होंने इसके रिसर्च में लगा दिए कि कपड़े के मटेरियल की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए। ये सारी चीजें ओवरलेस को एक बहुत ही अच्छा क्लोथिंग ब्रांड बना देती है, और यही एक कारण रहा जिससे ओवरलेस को पूरी दुनिया में हर आदमी पसंद करने लग रहा था। लॉन्च के दिन लगभग 4 लाख लोगों ने ओवरलेस की वेबसाइट को विजिट किया था, जिसमें अगर हम यह माने कि 1% लोगों ने भी अगर ओवरलेस के टी शर्ट खरीदे होंगे, जिनकी प्राइस करीब 600 रुपये से 1000 रुपये तक होती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उस एक महीने में ओवरलेस की सेल लगभग 25 लाख से 40 लाख रुपए तक हो गई थी। टी शर्ट की हाई डिमांड आने की वजह से उनका स्टॉक बहुत जल्दी से खत्म हो जाता था। हमारे पास एक बहुत छोटी फैक्ट्री थी, हम जितना बनाते थे सारा एकदम से ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। इसी को लेकर 5 नवंबर 2023 को श्लोक ओवरलेस का सेकंड लॉन्च करते हैं, जो कि पिछले वाले लॉन्च से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। पिछली बार से 10 गुना बड़ी फैक्ट्री में शिफ्ट हो चुके हैं। लाइफ की सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा महंगी अनबॉक्सिंग करने वाला हमारे स्टार्टअप की नई फैक्ट्री। जो सारी दिक्कतें पिछले वाले लॉन्च में उन्हें आई थी, वो सारी सेकंड लॉन्च में पॉइंट आउट करी गई।
जैसे वो हर साइज के टी शर्ट, साथ ही हजारों और नई डिजाइनें और बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसी को देखते हुए आज तक ओवरलेस का रेवेन्यू करीब 100 करोड़ के आसपास है, जो इतनी सी उम्र में श्लोक के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद साल 1 सितंबर 2022 को श्लोक अपना दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस लॉन्च करते हैं, जिसका नाम था लेयर्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उनके रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस के बारे में, श्लोक इस बिजनेस में मोबाइल और लैपटॉप की हाई क्वालिटी स्क्रीन बेचते थे, जिसकी कॉस्ट अराउंड 500 to 600 होती थी। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जो मोबाइल की स्क्रीन नॉर्मली 60 से 80 रुपए तक प्रिंट हो जाती है, उसको वो 500 से 600 रुपए में बेच रहे थे। अगर इसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड करें तो करीब 250 रुपए का इनका प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन ये उनको सेल कर रहे थे 500 रुपए में, यानी प्रॉफिट मार्जिन सीधा डबल हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वह अपने ही चैनल से खुद का ब्रांड प्रमोशन करते हैं, इसी तरीके से लेयर्स का भी उन्होंने खूब तगड़ा प्रमोशन किया, जिससे पहले ही हफ्ते में उनकी बनाई हुई सारी स्क्रीन्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई। थैंक यू अगेन इतना तगड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए, हमारी सारी स्क्रीन्स आउट ऑफ स्टॉक करवा दी आप लोगों ने। और देखते देखते एक साल के अंदर लेयर्स इंडिया का नंबर वन स्क्रीन ब्रांड बन गया। हमने और आपने मिलके इस ब्रांड को एक साल के अंदर इंडिया का नंबर वन स्क्रीन ब्रांड बना दिया। और एक रिपोर्ट के हिसाब से आज वह अकेले इस बिजनेस से करीब 24 करोड़ रुपए हर साल कमाते हैं। अकॉर्डिंग टू कोरा 2022 के एंड तक आते आते श्लोक श्रीवास्तव की नेटवर्थ लगभग $3 मिलियन हो गई थी। इसी के साथ साथ श्लोक श्रीवास्तव खुद के बनाए हुए ऐप से भी पैसा कमाते हैं, जैसे लेयर्स, ओवरलेस, वेबसाइट, एप्लीकेशंस, उसके बाद हम मल्टीपल चैनल्स रन कर रहे हैं। फिर 8 मार्च 2024 को श्लोक एक और उनके सीक्रेट स्टार्टअप के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि है ब्राइट शो, जिसमें वह खुद का डिजिटल स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, अपना एक खुद का डिजिटल स्कूल बना रहे हैं। श्लोक क्रिएटर्स के लिए इस डिजिटल स्कूल को खोल रहे हैं, जिसमें वो एक परफेक्ट क्रिएटर बनाना सिखाएंगे, और फ्यूचर में श्लोक का यह डिजिटल स्कूल लोगों के लिए 100% बेनिफिशियल और उनके लिए एक मैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स रहेगा। और इन्हीं सारी स्ट्रेटेजी से श्लोक श्रीवास्तव एक यूट्यूबर कम और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ज्यादा लगते हैं। इस तरह से यूट्यूबर्स के और बिजनेस को डिकोड करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट कीजिए कि अगले किस यूट्यूबर के बारे में आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।